नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी टाइम्स। सी टाइम्स के हमारे आज के एपिसोड खास मुलाकात में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं कैंगरू किड्स की प्रिंसिपल सोनिया कोचर जी से। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और जानते हैं बच्चों को किस तरह हैंडल इजीली किया जा सकता है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच जी। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि आप कितने सालों से ये रन कर रही हैं? करीब 15 साल। यानी काफी लंबा टाइम हो गया है। कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर? वी हैव अराउंड 300+ चिल्ड्रन। ओके, तो काफी मुश्किल होता होगा बच्चों को हैंडल करना। हर अलग अलग तरह के बच्चे आते होंगे आपके यहाँ। देखिए, ऐसा है, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बूढ़े हों, इंसानों को हैंडल करना ही मुश्किल है। पर मेरे को लगता है पर्सनली छोटे बच्चों को हैंडल करना ज्यादा मुश्किल, थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि अभी उनको जिंदगी के तौर तरीके आए नहीं है जी। और उनके आसपास के लेकिन जो अडल्ट्स होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बिल्कुल बड़ों की तरह बिहेव करें। और प्रॉब्लम कहाँ जाती है? जब आसपास के अडल्ट्स रिस्पेक्ट नहीं देते बड़ों की तरह, पर उनसे काम एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से कि जैसे वो बहुत बड़े हो गए। बिल्कुल। तो ये जो डिस्पैरिटी है, इसकी वजह से मेरे को लगता है बहुत सारे माँ बाप को बहुत प्रॉब्लम जाती है बच्चों को हैंडल करने में। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो पेरेंट्स की बात हो गई, लेकिन आपको भी स्कूल में काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ते होंगे छोटे बच्चे, क्योंकि वो कुछ बता नहीं पाते, कभी बहुत मूडी भी होते हैं, कभी आ रहे हैं तो रोते हुए आ रहे हैं, तो किस तरह आप हैंडल करते हैं? हमारा जो स्टार्टिंग क्लास होता है प्ले ग्रुप जी, वहाँ हमारे पास 2 इयर्स+ के बच्चे आते हैं और मेरा उन टीचर्स को शत शत प्रणाम, क्योंकि उनका जो जॉब है, अब 2 साल के बच्चे को जिसको सिर्फ भूख प्यास तक भी नहीं रिकॉग्नाइज करना आता, सिर्फ ये दिख रहा है कि इन्होंने मेरे को मेरी मम्मी पापा से दूर कर दिया, तो उसको स्कूल लाइफ रूटीन और कितना एक्साइटिंग आपको करिकुलम बनाना पड़ता है ताकि वो ये सब चीजें अपनी पेरेंट सेपरेशन एंजाइटी भूल के और एक्चुअली कुछ लर्न कर सकें इस एनवायरनमेंट में, कुछ पढ़ सकें, कुछ सीख सकें। बिल्कुल। क्योंकि इमोशंस हैंडल करना मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल काम है। बिल्कुल सही है। और फिर खास उन बच्चों के लिए कि जो कुछ बता नहीं पाते, कुछ प्रॉब्लम है तो भी नहीं बता पा रहे हैं, ये है। ये बताइए कि आपका स्कूल किस तरह दूसरे स्कूल से अलग है? सो मेनली आई थिंक इट इज अ विजन, और जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं, सो आर मेथड इज वेरी डिफरेंट एंड इट्स अ वेरी इंटीग्रेटेड करिकुलम। तो अगर मैं प्री स्कूल में मैं बच्चों को इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस ऐसे नहीं पढ़ाती हूँ, मैं कोई साइंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ, उसमें भी नंबर्स आ रहे हैं। आज सपोजिंग मैं ट्रांसपोर्ट सिखा रही हूँ बच्चों को, तो उनको वर्कशीट में कार्स काउंट कर रहे हैं, एरोप्लेन्स काउंट कर रहे हैं, तो वाटर, एयर, रोड ट्रांसपोर्ट के कॉन्सेप्ट को लेकर के नंबर वैल्यू एसोसिएशन भी सीख रहे हैं कि भाई ये 4 गाड़ियां हैं यहाँ पे 2 हैं, कौन सी कम है, कौन सी ज्यादा है। तो प्लस देयर इज अ लॉट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड प्राइमरली आई थिंक वी हैव अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन रीडिंग एज अ स्किल। प्लस हमारा जो करिकुलम है वो केटर करता है थोड़ा सा 21st century स्किल्स को, क्योंकि आप भी देख ही रहे होंगे कोविड के बाद तो अब और सबको समझ में आ गया है कि सिचुएशन को एनालाइज करना, समथिंग लाइक डिजास्टर मैनेजमेंट, देन मैनेजिंग योरसेल्फ एंड बीइंग एबल टू डिलीवर, इनोवेट करना, नए नए चीजें इजाद करना जी, ये सब चीजें
खाली पढ़ना लिखना और समझना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही, क्योंकि अगर जो आपने सीखा आपने अगर वो अप्लाई नहीं कर पा रहे तो वो किसी काम का नहीं है। जी बिल्कुल। फिर हम देखते हैं कि बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन जा रहे हैं, कोचिंग्स जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने हैं। भाई अगर जो भी पढ़ रहे होते हैं अगर उसमें उन्हें मजा आ रहा होता तो वो तो वैसे ही लॉन्ग टर्म में चला जाएगा ना। बिल्कुल। तो आपको एक्स्ट्रा पीछे नहीं पढ़ना पड़ेगा। कहा भी जाता है ना अगर शौक को हम अपना करियर बना लें तो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है और 100% दे पाते हैं हम उसको। एब्सोल्युटली जी। मतलब आपको अगर कोई बोले दो पन्ने याद कर लो जी और अभी के अभी फिर मेरे को सुना देना, आप नहीं कर पाओगे। पर अगर मैं बोलूं अरे वो कल मैंने एक गाना सुना था वो नया रिलीज हुआ है, अगर आपको वो गाना पसंद आया होगा तो आप वो पूरा मुझे सुना पाएंगी। बिल्कुल। तो ये फर्क होता है। करेक्ट। ये बताइए कि आप कैसे क्रिएट करती हैं बच्चों के लिए एक सेफ और फन लर्निंग एनवायरनमेंट? सो आई थिंक प्राइमरीली मतलब राइट फ्रॉम इक्विपमेंट, क्योंकि जैसे जितने छोटे बच्चे हैं उनके टॉयज या टीचिंग एड्स उतने बड़े होंगे। क्योंकि क्या होता है यहाँ तो अगर नजर हटी दुर्घटना घटी तो पता चला छोटा सा आपने कोई चीज रख दी, मुंह में भी जा सकती है, नाक में भी जा सकती है, कान में भी जा सकती है, कुछ भी पॉसिबल है। प्लस आई थिंक बिकॉज ऑफ आर स्टूडेंट टीचर रेशियो कि जैसे प्ले ग्रुप है उसमें हमारे पास 18 बच्चों में 3 टीचर्स रहती हैं, तो हमारा स्टूडेंट टीचर रेशियो इज लाइक 6:1। तो इसलिए थोड़ा विजिलेंस ज्यादा रहता है एंड इट बिकम्स अ सेफर प्लेस फॉर द चिल्ड्रन। प्लस यस अ लॉट ऑफ टीचर ट्रेनिंग गोज इनटू आवर स्टाफ। तो वही मैं आ रही थी कि आप किस तरह मतलब जो आप अपॉइंट करते हैं टीचर्स को तो क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स रहती है? मेरी रिक्वायरमेंट रहती है कि बहुत ही इंस्पायर्ड पैशनेट पोलाइट लोगों को मैं हायर करूं हु ऑफ कोर्स आर वेल इक्विप्ड टू हैंडल आवर करिकुलम आल्सो, जिनका वो लेवल हो जी। पर ऑल इन ऑल आई फील देयर इज अ लॉट of training which we give which is very center specific, kyunki sab schools shayad waise nahi train karte honge apne teachers ko, par hum log bahut sare behavioral modules handle karte hain unke sath so that they can manage behavior better in our classrooms along with the curriculum. Okay. ye bataiye ki class mein khel khel mein bachcho ko sikhana kitna challenging hai? kafi sada क्योंकि सबसे आसान होता है कि आप जाओ एक किताब लो और पढ़ना शुरू कर दो जैसे हम लोगों के टीचर सिखाते थे। बट फॉर एग्जांपल इफ आई टेक अ टॉपिक लाइक मे बी वाटर साइकिल, तो हमारी क्लास में टीचर बच्चों को बढ़िया पानी मतलब केटल में उबल लेगा भी, उसका कंडेंसेशन भी होगा, फिर इवेपोरेट हुआ वो दिखेगा, समथिंग स्मॉल लाइक अ सिंक एंड फ्लोट कॉन्सेप्ट। माय टीचर विल बी सिटिंग विद अ ह्यूज टब ऑफ वाटर एंड बहुत सारा सामान होगा कि चलो चलो नाउ लेट्स सी व्हाट गोज इन व्हाट स्टेज ऑन टॉप। सो व्हाट माइट लुक लाइक अ गेम टू द चिल्ड्रन एज वेल एज द पेरेंट्स might actually have a lot of scientific discovery and mindfulness in the planning. So which means ki as a teacher chahe hum photosynthesis padha rahe ho chahe life cycle of butterfly padha rahe ho, the teachers have to work like I feel at least 10 times harder because itna sara saman use hoga, itna audio visual plus kinesthetic, matlab bachcha करके भी समझेगा जी, खाली उसको सुन के और बोल के नहीं समझाया जाएगा, प्रैक्टिकली आप करके बता रहे हैं। एब्सोल्युटली। सो दैट इज व्हाट मेक्स द जर्नी एक्साइटिंग एंड इजी। जी बिल्कुल। अब ये तो बच्चों की बातें हो गई, कुछ आपके बारे में पूछें कि आपने ऐसा
क्या कुछ वन मतलब फन हो या फिर अनएक्सपेक्टिंग सी कोई चीज बच्चों से जो आपने सीखी हो? अनकंडीशनल लव एंड प्रोबेबली टू लाफ होल हार्टेडली, क्योंकि ये छोटे 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 बच्चे जब आप इनको देखते हैं तो द वे दे अडोर यू, उनको नहीं फर्क पड़ता मेरी टीचर है मेरे लिए बेस्ट है, आगे पीछे जो भी हो कैसे भी हो क्या हो, सो दे जस्ट ओपन हार्टेडली दे लव सो मच। और आप बच्चों को कभी खेलते देख लीजिए जी, आपको ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाएगी आपकी शक्ल पे, सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव एनवायरनमेंट एंड अ वेरी पॉजिटिव फील दैट यू गेट अराउंड चिल्ड्रन। और ये बताइए कि पेरेंट्स की सबसे ज्यादा क्वेरीज क्या रहती हैं जब वो एडमिशन कराने आते हैं या क्या वो चाहते हैं? तो पेरेंट्स के साथ बस एक ये दिक्कत है कि वो राइट फ्रॉम डे वन बच्चे को कुछ बनाना चाहते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल पेरेंट्स कि डोंट यू नो एनरोल इन अ स्कूल विदाउट अंडरस्टैंडिंग द विजन ऑफ द स्कूल एंड विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली योर चिल्ड्रन नीड इन द फ्यूचर टू हेल्प देम, क्योंकि भाई कल हम और आप तो नहीं रहने वाले हैं, लेकिन ये बच्चों को अपने आप लाइफ मैनेज करनी पड़ेगी। सो जस्ट थिंकिंग अबाउट स्पेसिफिक प्रोफेशंस माइट नॉट हेल्प, इट माइट नॉट वर्क, क्योंकि आगे दुनिया में कौन से प्रोफेशंस एक्चुअली यूजफुल होने वाले हैं विद एआई टेकिंग ओवर, हमें शायद नहीं चाहिए होंगे सर्जन्स, हमें शायद चाहिए होंगे people who can diagnose the problem, you know, the human touch is going to be much more important. So parents, please let your children grow in a fun and happy environment, let them enjoy their journey, jo banna hoga wo khud ban jayenge, bilkul abhi se pressurize na kiya jaye, itna pressure dekar ke ya ye karna hai wo karna hai wo karna hai, yes, teach them what is correct and what is incorrect in terms of behavior. Don't give in to every request that they come up with. Set their routines. Bhai, aapko physically apne ko dekhbhal karna aana chahiye, jiske liye routine bahut important hai. To ek bar aapne bacche ka routine set kar diya, uski mindful habits सेट कर दी, कहते हैं ना कि देर आर वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट्स ऑफ द माइंड विच यू ट्रेन देम टू डू एंड दे विल गो टुवर्ड्स इट। तो अगर आपको डेलिजेंट हार्ड वर्किंग सिंसियर बच्चे चाहिए तो मेरे ख्याल से बच्चों की जगह पेरेंट्स को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि वो ये बेंचमार्क्स और ये चीजें सेट करते चले अपने बच्चों के लिए और उनको खुद ब खुद रिजल्ट्स मिलेंगे। आजकल पेरेंट्स बहुत ज्यादा बच्चों को लेके कंसर्न बहुत रखते हैं कि हम अभी से बच्चा हमारा ये बन जाए, अभी से हम उसको एक अच्छे वे में डालें, तो ये इतना जरूरी नहीं है भी, बच्चों को थोड़ा आई थिंक हेल्दी कॉम्पिटिशन इज वॉट वी नीड टू टीच देम कि हाँ ठीक है, यू हैव टू लर्न टू बी अ विनर इन लाइफ बट विन फॉर ऑल द राइट रीजंस, डू नॉट अप्लाई रॉन्ग मीन्स टू बी अ विनर। या दूसरों की जीत में अगर आपको खुशी नहीं मिले तो वो बहुत ही गलत सेंटिमेंट रहता है, बिकॉज वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग ग्लोबल, हम इतना इंडिविजुअलिस्टिक नहीं हो सकते क्योंकि भाई एक ही प्लैनेट है हमारे पास जी। तो हम सभी को उसकी रक्षा करना और कंट्रीब्यूट करना टू सोसाइटी आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, आप कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करना चाहें बच्चों को लेकर? भाई एक्सपीरियंसेस तो रोज होते हैं, रोज होते हैं। पर आई विल जस्ट रिमेम्बर वंस व्हेन
मतलब मेरे को बहुत स्ट्रांगली ये चीज याद रहती है। पहले मैंने अभी वाटर साइकिल की बात करी जी, तो शायद इसीलिए क्योंकि ये मेमोरी मुझे दिमाग से इरेज नहीं होती। दैट वाज व्हेन बिलाबोंग वाज एट कैंगरू व्हेन वी हैड जस्ट स्टार्टेड बिलाबोंग, दैट इज आवर सीनियर स्कूल। तो क्लास वन का जो करिकुलम था वो इतना ही ब्यूटिफुली डिजाइंड है और उनकी बच्चों की फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ वर्क था वाटर। तो एज आई सेड, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, सब वाटर एवरीथिंग, राइट फ्रॉम वाटर साइकिल टू क्वालिटीज टू ये वो सब सीख रहे थे। तो आई थिंक इट वॉज जून, दिस चाइल्ड फ्रॉम ग्रेड वन केम डाउन एंड आई वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द स्कूल एट द डोर। सो ही सेज, टीचर टीचर यू नो प्रेसिपिटेशन, वॉट ही वॉज ट्राइंग टू से वॉज कि बारिश आ रही है, तो बट द साइंटिफिक वर्ड फॉर इट इज प्रेसिपिटेशन। और क्योंकि हम लोग वो पहली बार हैंडल कर रहे थे करिकुलम, तो हमें लगता था कि बापरे बच्चे इतना सीख पाएंगे, इतने लंबे लंबे वर्ड्स हैं। एंड सिमिलरली उसके बाद फिर वो लोग इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बाद बारे में पढ़े, तो थिंग्स लाइक ममिफिकेशन की क्या प्रोसेस होता था, और तो इतनी सुंदर सुंदर बातें सुनने मिलती थी बच्चों से कि ऐसे सुपरस्टिशंस होते थे। तो मतलब इट वाज सो इंफॉर्मेटिव दैट बहुत अच्छा लगा कि भाई चलो वी आर डूइंग अ गुड जॉब। जी, आपकी किंडरगार्टन में बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसी कौन सी चीजें आपने और करी हुई जो दूसरी जगह नहीं मिल पाती? आई थिंक सी मेनली आर टीचर्स, आई वुड से द वे दे हैंडल द चिल्ड्रन, क्योंकि चीजें क्या होता है बहुत टेम्पररी रहती हैं। जैसे अगर आपको कोई बहुत सुंदर सी चीज दी जाए, इट गिव्स यू प्लेजर फॉर अ वाइल, बट व्हाट जेन्युइनली अट्रैक्ट्स आवर चिल्ड्रन आई थिंक इनटू स्कूल एवरी डे इज द वेलकम दैट दे रिसीव फ्रॉम द टीचर्स एंड द फन दैट दे हैव इन द क्लासरूम्स। तो ये आई थिंक सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज है। बिल्कुल, और फिर एक अटैचमेंट हो जाती है किसी खास टीचर से बच्चों की। एब्सोल्युटली, दे अडोर देयर टीचर्स। तो अब एक पर्सनल सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप कैसी प्रिंसिपल हैं, स्ट्रिक्ट हैं या बच्चे आपके पास इजीली आ जाते हैं? अब ये सवाल मैं तो जवाब कैसे ही दूं, क्योंकि बच्चे आपके पास इजीली आ पाते हैं कुछ प्रॉब्लम लेकर या फिर डरते हैं कि नहीं मैम? Absolutely. So I think I'm very blessed to receive a lot of love and affection from my children. हाँ, उसमें थोड़ा contribution मेरे table पे एक toffee का डब्बा रहता है, तो थोड़ा बहुत contribution उसका भी रहता है। But yes, I guess मेरे को कहीं strict या ऐसे करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि अगर मैं बच्चों को बोलती हूँ, जैसे मेरे पास आते हैं teacher please toffee, and if I tell them that sorry today is a no toffee day, they're like okay, because I guess that is how I make them feel ki theek hai, agar inhone bol diya hai nahi aaj dengi to ye nahi dengi, to ye probably parents ke liye bahut useful tip ho sakti hai, bilkul ki be consistent in your behavior and your children will always listen to you and they will never throw tantrums in front of you. Wo sirf tabhi hota hai jab hum ek din aise rehte hain, dusre din waise ho jate hain. Bilkul. Ye bataiye ki ab bachchon ko future ke liye kaise ready karte hain? So I think mainly what we are doing for our children is instilling a love for learning, जिसकी वजह से फ्यूचर उनके लिए रेडी है। तो चलते चलते आप पेरेंट्स को क्या टिप्स देना चाहेंगी बच्चों को लेकर? मेरे ख्याल से मैंने तो बहुत ही सारी टिप्स दे दी हैं, बट फिर भी आई थिंक मेनली गिव योर चिल्ड्रन अ वेरी वेरी लविंग एंड रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट। डोंट लुक डाउन ऑन देम। जैसा व्यवहार आप
अपने साथ नहीं पसंद करेंगे वैसा आप उनको मत दीजिए। अगर आपका दोस्त आपको आए और बोले कि एक मिनट चुप होके बैठ जाओ, तो आप क्या बैठ जाएंगे? या आप उसको टर्न करके बोलेंगे अरे मतलब ये क्या है? लेकिन हम ये करते हैं अपने बच्चों के साथ, क्योंकि हम सोचते हैं अच्छा ये तो अभी छोटे हैं, तो प्लीज ट्रीट देम लाइक यंग अडल्ट्स विद इक्वल रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। एंड एज आई सेड अर्लियर, सेट रूटीन्स फॉर देम। आई थिंक दैट इज ऑल इट टेक्स टू हैव देम ग्रो अप इनटू वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स। थैंक यू। एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है आपसे पूछूं कि अक्सर हम बच्चों को कभी तो बहुत बड़ा बना देते हैं कि नहीं अब तुम बड़े हो गए हो ये नहीं करना है, कभी बोल देते हैं अब तुम छोटे हो, तो आपको क्या लगता है उनके दिमाग में चीज कि हम कब बड़े हो तो जाते मेरे ख्याल हैं, से दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से व्हेन आई सेड बी कंसिस्टेंट। क्योंकि आप अगर बच्चे से बहुत ऑनेस्टली बात करेंगे तो आप ये कंफ्यूज नहीं करेंगे उनको, क्योंकि यू विल बी एट देयर लेवल, यू विल अंडरस्टैंड। मतलब जिसको कहते हैं ना कि सिंपथी नहीं, अगर आप एम्पथेटिक हो जाएं तो आप उस इंडिविजुअल की जर्नी भली भांति समझ पाएंगे और उसको करेक्ट वे में गाइड कर पाएंगे प्लस संभाल पाएंगे। क्योंकि छोटे बच्चे, अब आज हम इतने सुंदर गार्डन में बैठे हैं तो मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है जी, बिल्कुल, कि जैसे ये छोटे छोटे पौधों को नर्चर करके और बड़ा पेड़ बनाना पड़ता है जी। वैसे ही हमें बच्चों को हैंडल करना है। अब अगर एक दिन माली पानी दे एक दिन ना दे तो सफर तो पौधे ही करेंगे ना। तो आई थिंक सेम थिंग इज फॉर पेरेंट्स। So one day you're a very loving and caring person. Second day आपको किसी हरकत पे गुस्सा आ जाती है और आप एकदम से ब्लास्ट कर देते हैं बच्चे पे। या आपकी कोई वर्क रिलेटेड टेंशन है पर आप उसको घर के एनवायरमेंट में वेंट आउट करते हैं। तो बच्चे को तो आपने कंफ्यूज कर दिया। एंड दैट इज गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे इन क्रिएटिंग द पर्सनैलिटी टाइप। और हमें कैसे बच्चे चाहिए? हमें खुश कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स चाहिए। बिल्कुल। तो पेरेंट्स हैव टू बी वेरी माइंडफुल अबाउट देयर बिहेवियर अराउंड द चिल्ड्रन। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने और थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें इतना टाइम दिया, इतना वक्त निकाला हमारे लिए और हमारे सवालों के जवाब दिए। थैंक यू, इट वॉज अ प्लेजर बीइंग विद यू। थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे सोनिया कोचर जी से, जिन्होंने बच्चों को लेकर हमसे काफ़ी डिटेल में बातें की और हमें बताया कि किस तरह बच्चों को ट्रीट करना चाहिए, किस तरह पैम्पर करना चाहिए। तो इसी तरह और भी जानकारियां लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।